हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। और ये कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसकी तैयारी आपको पेपर से पहले करके रखना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो सिर्फ 40 नंबर तक के ही रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। अगर आप इसकी तैयारी पेपर के समय करते हो तो आपको इससे लॉस होने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको पहले से तैयार करके इसे रखना है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्न है खंड क में आपको देखने को मिलेगा, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा गद्यांश है, ठीक है। जब आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं आपको समझाने के तौर पे। व्यक्ति को आकर्षक आकर्षक कौन बनाता है, तो देख लेते हैं आकर्षक कौन बनाता है। तो ऐसा कोई शब्द होगा, सूझबूझ। और हाँ देखो, यहाँ पे आ गया। देखो क्या है, उसकी सूझबूझ और वाक्पटुता व्यक्ति की शोभा है और उसे आकर्षक बनाता है। इस तरह से इसका जो वाक्य है, मतलब इसका जो उत्तर है, आपको इस वाक्य में इस वाक्य को यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया। ढूंढना कैसे है, ये जो प्रश्न है ये टोटल 10 नंबर के आते हैं, 10 या 12 12 नंबर। हाँ, खंड क में जो ये पहला प्रश्न है ये 12 नंबर का रहेगा, तो 12 नंबर का, और यहाँ पे 12 प्रश्न रहेगा। जैसे कि दूसरा देखो, श्रेष्ठ वक्ता की क्या विशेषता है, तो देखो यहाँ पे श्रेष्ठ वक्ता अपार जन समूह को मुग्ध कर देता है, मित्रों संबंधों और समाज व संस्था के बीच सम्मान व स्नेह का पात्र बन जाता है। तो ये पूरा आपको क्या लिखना है, उत्तर इसके लिख देना है। समझ में आ गया। ढूंढना कैसे है, हर एक शब्द किसी न किसी टॉपिक से मिलता जुलता रहेगा, बस आपको उसे पहचानना है और उसका उत्तर लिख देना है। इसी तरह से इसमें देखो कुल मिला के 10 प्रश्न हैं, ठीक है, 10 प्रश्न। और यहाँ पे देखो एक शब्द में उत्तर दीजिए क्या है, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अधिक बोलने वालों को क्या बोलते हैं, और ना बोलने वालों को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाचाल है, और कम अधिक बोलने वालों को क्या बोलते हैं, कम और एक वाचाल होता है, ठीक है, और ना बोलने वालों को मूक बधिर, ठीक है, और एक और क्या, 3 टॉपिक है, एक मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, देखना है इसको। तो इनका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे उसका उत्तर भी लगा हुआ है, 3 तक के प्रश्न है, 1 2 3, ठीक है, तीनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा है। इसके बाद जो बाकी प्रश्न है ना, उनका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं सारे के उत्तर आपको पढ़ के बताता हूँ सभी प्रश्नों का, तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा। तो मैं इसे आप लोगों को बस थोड़ा सा समझा के बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और आसानी से आप इन सभी के उत्तर याद कर लो। जैसे चौथा का है, पांचवा का है, ये रहा, और ये 12वां का। देखो कम बोलने वालों को मितभाषी बोलते हैं, ठीक है, और इसको वाचाल बोलते हैं, अधिक बोलने वाले को, ना बोलने वाले को मूक बोलते हैं, मूक बधिर कहते हैं ना, मूक, ठीक, इस तरह से मूक यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये प्रश्न है, ये सब बड़े बड़े प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपठित काव्यांश है, इस बार काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये काव्यांश है, इतना बड़ा है काव्यांश, ठीक है, और है, बहुत बड़ा है भाई काव्यांश, तो ये रहा, इतना बड़ा है काव्यांश। मान लो कि एक पूरा पाठ को ना यहाँ पे उतार दिया है, समझो। अब प्रश्न कितना पूछेगा, 4 प्रश्न, सिर्फ 4 से 5 प्रश्न। तो देखो 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ये देख सकते हो, 4 से 5 प्रश्न, और इन 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। जब आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उत्तर पढ़ना ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया वो प्रश्न अगर पूरा का पूरा आ जाता है तो यही पूरा प्रश्न आएगा ना, तो उत्तर तो याद रहेगा, तो सिर्फ उत्तर देख लेना, बाद में आप ढूंढ लेना इसको, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद निबंध आएगा, 5 नंबर का रहेगा ये निबंध। देखो, पर्यावरण प्रदूषण के कारण निदान है मोबाइल क्रांति, आधुनिक भारतीय नारी और वृद्धावस्था की आनंद एवं कुंठा है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि निबंध जब भी आप लिखोगे तो उसे याद मत करना। निबंध जो होता है एक टॉपिक होता है, किसी चीज के बारे में लेख लिखना। मान लो आपको पूछेगा कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे उठते हो। लिखोगे ना कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश होने चला जाता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं नहाने चला जाता हूँ, ठीक है, फिर स्कूल के लिए स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूँ या खाना खाता हूँ, ठीक है, नाश्ता ही कहोगे, खाना मत कहना, ठीक
है, नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद सुबह के भोजन जो करते हैं हम उसे नाश्ता कहते हैं, ठीक है। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना होता है। तो वही चीजों को क्या कहते हैं हम, एक दिनचर्या वाला जो टॉपिक है ना उसे कहते हैं, और इसी को हम एक लेख कहते हैं। लेख के तौर पे आपको लिखना है कि आपने कैसे कैसे किया, फिर कितने बजे आप सो जाते हैं, वहां पे खत्म हो जाएगा पूरा प्रक्रिया। तो इस प्रकार से जो लेख लिखा जाता है उसे हम निबंध कहते हैं। तो निबंध को रटा नहीं जाता है, ठीक है, निबंध को सिर्फ लिखा जाता है और एक दो बार पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, चार टॉपिक हो गए, इसका उत्तर तो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको ये इन सभी को दिखाया जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, ये भी 5 नंबर में आएगा। देखो यहाँ पे आपको लेटर देखने को मिल रहा है, ये रहा चौथा प्रश्न। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह आवारा, जगह जगह यहाँ पे क्या है, हाँ आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंध अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेवा में मुख्य संपादक, इस तरह से आपको लिखना है सेवा में, क्योंकि एक आप एक समाचार एजेंसी को लिख रहे हैं, इसलिए आपको क्या लिखना है सेवा में, ये प्रति भी लिख सकते हो आप लोग, सेवा की जगह में प्रति लिख सकते हो। तो प्रति महोदय मुख्य संपादक, और ये नवभारत को लिख रहे हो या दैनिक भास्कर को लिखो, दैनिक भास्कर लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिनांक, दिनांक को आप लास्ट में लिख देना। फिर विषय को आपको लिखना है ये वाला, फिर इसके बारे में जो भी जानकारी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस बता सकते हो लेख में कि ये प्रक्रिया है और इसके वजह से हमें ये दिक्कतें होती है, इन दिक्कतों के कारण जो घूम रहे आवारा पशुए हैं उनका निदान करने की कोशिश करेगी, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके जो कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे है, ठीक। अब अथवा में भी दिखा देता हूं मैं, ये रहा अथवा में। शिक्षा निदेशक महोदय को ग्राम प्रधान की ओर से पत्र लिखकर अपने गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध कीजिए, अनुरोध करना है उसके लिए। तो आपको इस तरह से प्रति महोदय सेवा में भी लिख सकते हो, शिक्षा निदेशक सेवा में मत लिखना, नंबर आपका काट देगा, ठीक है। प्रति लिखना, प्रति, ठीक है। उसके बाद शिक्षा निदेशक राजभवन राजनांदगांव जो भी होगा डेट, उसके बाद ये सब, और अंदर में ये सारी प्रक्रिया आपको क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। क्या करना है, भर देना है, कूट कूट के भर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहां तक के हो गया, ठीक। अब ये जो प्रश्न है एक एक नंबर के रहेगा, देखो इसका उत्तर बड़ा बड़ा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में कह रहे हैं। बीट रिपोर्ट की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है, ठीक है। तो ये सब एक एक नंबर के प्रश्न है। वाच डाक पत्रकारिता किस प्रकार लोकतंत्र प्रहरी है, इसके बारे में जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक इसके बारे में नहीं लिख सकते। मैंने तो पढ़ा नहीं है तो मैं इसलिए इसके बारे में कोई भी आपको टॉपिक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि मैं पढ़ूंगा। एक बार भी मैं पढ़ लेता हूँ ना तो मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बता सकता हूँ। अभी उतना समय नहीं है, अभी आप लोगों के पढ़ने के बारे ही है, तो अभी सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ समाचार किसे कहते हैं, ठीक है। समाचार के बारे में तो जानता हूँ मैं, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। आगे देखो, अंशकालीन पत्रकार किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहानी लेखन का महत्व तो बताइए, ये 3 नंबर के प्रश्न है। इसमें अथवा प्रश्न भी है। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है, इसका भी उत्तर देख लो। ये रहा भाई, छोटा छोटा प्रश्न है, छोटा छोटा उत्तर है, 3 नंबर के हिसाब से सही है इसका उत्तर। और इसके बाद 14वां प्रश्न देखो, अथवा भी है, इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ठीक है अगर 7वां प्रश्न, जैसे अथवा नहीं दिया है तो थोड़ा दिक्कत होता, वो प्रश्न नहीं बनता, लेकिन अथवा दिया है तो एक तो एक बन ही जाएगा ना। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या फीचर लिखे कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो अथवा भी दिया हुआ है, इन सभी का उत्तर देख लो। युवा में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति विषय पर एक आलेख लिखिए कह रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये कठिन जाएगा, ये सरल जाएगा मुझे लगता है। 8वां में देखो काव्यांश दिया है, ठीक है, ये काव्य है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न है, 4 दिया है, 3 ही इसमें बनाने के, 1 नंबर के रहेगा ये भी। तो इनका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो देखो काव्यांश से जो उत्तर लिखना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, सारे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। इसके बाद 9वें में देखो एक और काव्यांश है, ये वाला, ठीक है। हरीश राम भटेऊ हनुमान वाला जो है ना, ये वाला आपको काव्यांश देखना है, और इस काव्यांश में जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर भी आपको लिखना है। तो मैं आपको उस काव्यांश को दिखा देता हूँ, इसका कुछ हिस्सा और यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो 3 प्रश्न है, इनका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 3, 3 टॉपिक है, तो ये क्या है इसका उत्तर है। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, ये रहा 10वां प्रश्न।
ठीक है। 10वां प्रश्न में देखो, कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए, कह रहे हैं। तो इसका उत्तर भी आपको क्या लिखना है भाई, देख लो अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब ज्यादा मतलब ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है, बस एक बार पढ़ने से इन सभी के उत्तर याद हो जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, ठीक है, ये देख सकते हो। और अगला है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये पूरा पढ़ना है और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चार प्रश्न, इन चारों का उत्तर देना है। अब इन चारों का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे इन चारों का उत्तर है, ये रहा, दो तीन और चारों का उत्तर है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, बाजार के जादू की जकड़ से बचने का क्या उपाय है, तो इसका उत्तर देख लो। यहाँ पे कुछ हिस्सा और होगा तो मैं दिखा देता हूँ सेकंड पेज पे, ठीक है, सेकंड पेज पे नहीं दिया, छोटा प्रश्न है इसलिए नहीं दिया है। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, तो इसका उत्तर देख सकते हो, तीन टॉपिक है, ठीक है, एक दो दो ही टॉपिक में है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, तो इसका उत्तर आपको यही लिखना है, और ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था, तो देख सकते हो इसका भी उत्तर यहाँ पे है। मैं पढ़ता हूँ या इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो तकरीबन 1 घंटे का बनेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो 1 घंटे का बने, इसलिए आप लोगों को खुद इन प्रश्नों को पढ़ना है। इसका उत्तर तो मैंने लगा दिया है और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं आशा कर सकता हूँ कि यहाँ से 60 से 70% फंस जाए, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जो है ना सरल होता है, सरल होता है तो ज्यादा प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। यहाँ पे देखो, आदर्श निबंध की कौन सी विशेषताएं होती है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ये सब 3-3 नंबर के प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 6 से 7 टॉपिक लिखना है, ठीक है भाई, 10वीं वाले को तो 3 ही टॉपिक लिखना होता है 3 नंबर में, लेकिन आप 11वीं 12वीं में आ जाते हो ना, 7 टॉपिक कम से कम होना चाहिए, मतलब 2 टॉपिक पे 1 नंबर मिलता है, तो आप सोच सकते हो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगला है, लेखक की माँ उसके पिता की आदतें से वाकिफ थी, इसके बावजूद लेखक की माँ ने लेखक का साथ किस प्रकार दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर भी देख सकते हो, 13वां प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें अथवा है, अथवा है तो और बेनिफिट मिल गया आपको, बेनिफिट क्या मिल गया, बेनिफिट ये मिल गया कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो ये आपको ये लिखना है। इसके बाद मैं आपको 14वां प्रश्न दिखाता हूँ और ये अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न मतलब इसमें अथवा भी है, देखो अ और ब दो खंड में दिया, मतलब 4 प्रश्न यहाँ पे दिया रहेगा, तो एन कौन थी, उसकी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे इसका पूरा उत्तर देखो ब्योरा के साथ आपको मैं दिखा देता हूँ। जब भी आपको पढ़ने का मन करे तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो या यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोशिश करूंगा पीडीएफ प्रोवाइड कराने की, देखते हैं अगर कोई साइट चालू हो जाए हमारा तो, ठीक है, वेबसाइट के कारण ही मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, वरना मैं कब का पीडीएफ आप लोगों को दे देता। इसके बाद ये रहा, ठीक है, देख लो अथवा है, अथवा में क्या दिया है भैया, श्री सौंद ले क्या है, सौंद, हाँ सौंद लंगेकर जी के अध्यापक की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, ठीक है, मुझे थोड़ा सर्दी है तो बोलने में प्रॉब्लम भी हो रहा है, क्या कह सकते हैं भाई, इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते, चलो आगे देखो। हाँ, इसका उत्तर मैंने दिखाया कि नहीं आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो इसका उत्तर है, ठीक है। ब खंड देखते हैं, ब खंड में इसका उत्तर भी साथ साथ लगा देते हैं, ठीक है, सिल्वर वेल्डिंग वाली है ना कहानी के बारे में, तो इसका उत्तर देख लो, कहाँ मैं इसमें झंझट करूंगा बोलने में, ठीक है, ये रहा। अब ये अंतिम प्रश्न है और ये रहा इसका उत्तर, देख लो, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो अंतिम प्रश्न है। तो इस तरह से एक सेट तो मैंने आपको बता दिया, कुल मिला के 4 सेट है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा 4 सेट बताऊं, ठीक है, पेपर के दिन देखेंगे क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, हो सकता है मैं आप लोगों को
पेपर में आने वाले प्रश्नों की जानकारी दे दूं उस दिन कि ये प्रश्न फिक्स है, आने वाला है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी ये सस्पेंस में रहेगा।